वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मनोज आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बातें करेंगे बिलासपुर के पास ऐसे पांच महत्वपूर्ण प्लेसेस के बारे में जिसको आपको जरूर देखना चाहिए। पहले स्थान पर दोस्तों कानन पेंडारी जूलॉजिकल गार्डन, जो कि बिलासपुर शहर से 10 किलोमीटर की दूरी पर सकरी के पास स्थित एक प्यारा सा चिड़ियाघर है। इस चिड़ियाघर में आपको बहुत सारे जानवर देखने को मिलते हैं और यह बिलासपुर का एकमात्र चिड़ियाघर है जहाँ पर शेर, बाघ, भालू, गेंडा, दरियाई घोड़ा के अलावा और भी बहुत सारे छोटे बड़े जानवर देखने को मिलते हैं। दूसरे स्थान पर दोस्तों मल्हार, जो कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ज़िले में स्थित एक छोटा सा शहर जो कि बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल जो कि कभी एक प्रमुख शहर हुआ करता था और पहली शताब्दी में राजधानी के रूप में काम करता था। इसे शिलालेखों और भारतीय साहित्य में मल्हार और मल्हारी के रूप में संदर्भित किया गया है। साथ ही यहाँ पर एक माँ डिंडेश्वरी का सुंदर सा प्यारा सा मंदिर भी स्थित है जिसे भी आप देख सकते हैं। तीसरे स्थान पर दोस्तों रतनपुर का महामाया मंदिर बिलासपुर से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और मां दुर्गा को समर्पित है। यह मंदिर भारत भर में फैले 52 शक्तिपीठों में से एक है और नवरात्रि में यहां पर काफ़ी भीड़भाड़ होती है, साथ ही साथ यहां पर नॉर्मल दिनों में भी भीड़ देखने को मिलती है। चौथे स्थान पर दोस्तों रतनपुर से 10 किलोमीटर तथा बिलासपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खूटा घाट डैम यहाँ का बहुत ही सुंदर सा पिकनिक स्पॉट है। यह डैम खारू नदी के शांत किनारे पर स्थित है और यह पूरे क्षेत्र की सिंचाई में काफ़ी मदद करता है। साथ ही दोस्तों यहां पर पांचवें स्थान पर जो हम टूरिस्ट प्लेस को रखे हैं कोरी डैम, बिलासपुर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित और बिलासपुर के प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। घने जंगलों के बीच बना यह डैम प्रकृति के परिदृश्यों को बहुत ही अच्छे प्रकार से दर्शाता है, जहाँ पर आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पिकनिक मनाने के साथ ही घूमने के लिए आ सकते हैं। यहाँ की सुंदरता देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में हमने बिलासपुर के नज़दीक के पांच ऐसे टूरिस्ट प्लेसेस को दिखाया है, बताया है, जिसे कि आपको ज़रूर देखना चाहिए। बहुत ही सुंदर सा देखने में लगता है और आपको ज़रूर देखना चाहिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। मिलते हैं फिर से एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ।